मेरे मीठे बच्चों, तुम मुझे ईश्वर, अल्लाह, शिव, यहोवा, गॉड आदि नामों से पुकारते हो। तुमने मेरे लिए मंदिर, मस्जिद, चर्च एवं गुरुद्वारे बनवाए। तुमने वेद शास्त्र और कई प्रकार की धर्म पुस्तकें लिखी। मेरे पास पहुंचने के लिए तुमने पूजा, अर्चना, तप आदि किए। तुमने मेरे नाम पर अनेक युद्ध किए और मेरे लिए कई त्याग व बलिदान दिए, लेकिन दुर्भाग्यवश न तो मुझे कोई भी प्राप्त कर सका और ना ही मेरे पास पहुंच पाया। वास्तव में मुझे जानने से पहले तुम्हें ये जानना और महसूस करना है कि तुम स्वयं कौन हो। तुमने अज्ञानतावश स्वयं को भौतिक शरीर मान लिया है, इसलिए तुम जाति, धर्म, रंग, भाषा व राष्ट्रीयता के नाम पर भेदभाव करते हो। स्थूल नेत्रों से दिखाई देने वाला तुम ये नश्वर शरीर नहीं हो, तुम तो अविनाशी आत्मा हो जो भ्रिकुटी के मध्य में स्थित होकर इस शरीर को नियंत्रित करती हो। अतः स्वयं को शरीर द्वारा कर्म करने वाली आत्मा अनुभव करो। अब कुछ क्षणों के लिए सांसारिक बातों व उनके वातावरण से स्वयं को अलग करो। इस देह को भूल अपने आप को भ्रिकुटी के मध्य में चमकता चैतन्य सितारा अनुभव करो। वास्तव में तुम यही हो, अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु आत्मा। अब क्रमशः तुम्हारी यात्रा आरंभ होती है। इस भौतिक दुनिया और देह से ऊपर उठकर नीले गगन की ओर। सूर्य, चंद्र, तारागणों से भी पार, अब तुम एक सुनहरे प्रकाशयुक्त दुनिया में पहुंच चुके। धाम में ही निवास करती थी। बाद में तुम जन्म और कर्म का अविनाशी अभिनय करते सृष्टि नाटक मंच पर अवतरित होते हो। ये अनादि अविनाशी नाटक सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलियुग चार युगों में विभक्त है। प्रत्येक युग की अवधि समान रूप से 1250 वर्ष है और इस कारण पूरे कल्प की आयु
5000 वर्ष, हर 5000 वर्ष में इस सृष्टि चक्र की हूबहू पुनरावृत्ति होती रहती है। कल्प के आरंभिक काल में सभी प्राणी और प्रकृति के पांचों तत्व पावन थे। उस समय संसार सुख, शांति और आनंद से परिपूर्ण था। यही वो समय है जिसे सतयुग और त्रेतायुग के नाम से जाना जाता है, जहां तुम देवी देवता के रूप में रहते थे। इस 2500 वर्ष की अवधि को स्वर्ग, बैकुंठ, बहिष्ट, जन्नत, पैराडाइज आदि नामों से जाना जाता है। सतयुग अर्थात स्वर्ण युग में श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का अटल अखंड राज्य था। तत्पश्चात त्रेता युग अर्थात रजत युग में श्री सीता एवं श्री राम ने राज्य किया। द्वापर युग में देवभान के कारण तुम विकारों में प्रविष्ट हो गए और इस कारण अपनी शक्तियां खोने लगे। इस अवधि में भिन्न भिन्न धर्म पिताएं आए और अपना धर्म स्थापित किए। प्रारंभ में इन धर्मों की स्थापना सारी मानव जाति को एक सूत्र में बांधने और उनका सही मार्ग प्रदर्शन करने के लिए हुई थी। अब इस कलियुग अर्थात कलह युग में मानव मन में विद्यमान पांचों विकार चरम सीमा पर है, जिनके कारण पांचों तत्व प्रदूषित हो गए हैं और तुम शांति एवं खुशियों से वंचित हो गए हो। परिणामतः दुख अशांति के दलदल से मुक्ति पाने के लिए तुम मुझे पुकारने लगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की ग्लानी होती है एवं अधर्म व पाप में वृद्धि होती है, तब तब सत धर्म की स्थापना और श्रेष्ठ विश्व नव निर्माण हेतु मैं धरती पर अवतरित होता। इस दिव्य व पावन अवतरण के काल को संगम युग कहते हैं। कलियुग और सतयुग के संगम का ये समय अत्यंत कल्याणकारी है। गीता में दिए इन वचनों के अनुसार अब भारत भूमि पर मेरा अवतरण हो चुका है। प्रजापिता ब्रह्मा के साकार मानवीय तन में मैं प्रविष्ट एवं सन्निविष्ट होकर सहज गीता ज्ञान एवं राजयोग द्वारा तुम आत्माओं को पावन बनाने का महान कार्य कर रहा हूं। अब तुम देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल स्वयं को आत्मा निश्चय कर मुझ परम पिता परमात्मा को याद करो। यही राजयोग है जिसके द्वारा तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विकर्म दग्ध होंगे और तुम सर्व गुणों एवं सर्व शक्तियों से संपन्न हो जाओगे। याद रखो, प्रकृति के पांचों तत्व भी तुम्हारे इसी संपन्नता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं वही हूं जिसे तुम अनेक वर्षों से खोज रहे हो। मैं तुम्हारा अनादि पिता हूं। मैं जो हूं, जैसा हूं, मुझे भली भांति पहचानो और मेरी श्रीमत पर चलो, ताकि आने वाले स्वर्णिम युग में तुम अनेक जन्मों का श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त कर सको। ओम।